मंदोबी असेंबली हलके के मुख्तलिफ तबका से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने कोटली शाहतला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। कांग्रेस पार्टी के आला कमान से अपील की कि इस इलाके में बद्रीनाथ शर्मा को टिकट दिया जाए। इन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्टी ऐसा नहीं करती है तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। हम कांग्रेस के पिछले 10 साल से सुबाई हैं। हम चाहते हैं कि आरसपुरा की जो सियासी पहचान बचाने के लिए, आरसपुरा की जो खसूसी पहचान बचाने के लिए, हमारे जहां जब से रियासत जम्मू कश्मीर बनी है तब से हमारा अपना एम एल ए बनता था। हमारा जहां भक्त शजूराम जी बने, जहां जहां हमारे सुमर जी बने, हमारे जहां हमारे रामचंद जी बने, आखिर कल वो आरसपुरा को थी ना। हमारे गरीब सुबह सुनते थे, हमारी परेशानी वो सुनते थे। आज हम कहाँ जाएंगे हम जम्मू के लोगों के पास? मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग हमारी ये है कि रिफ्यूजी को टिकट दीजिए। और रिफ्यूजी कांग्रेस में सबसे मजबूत आदमी बद्रीनाथ शर्मा है। बद्रीनाथ शर्मा को आरसपुरा साउथ की जय निशिष्ट देकर, ये सीट देकर आप हम पर मेहरबानी करें। कांग्रेस से जो आला कमान है उनसे हम ये मांग करते हैं कि अगर आप जाकर लोकल कैंडिडेट को टिकट देंगे, बद्रीनाथ को टिकट देंगे, हम बारी मतों से जिताकर उसको उनको कांग्रेस की जोड़ी में डालेंगे। अगर नहीं दी जाती तो इसके बाद क्या प्रयास रहेगा आपका? नहीं, इसके बड़ा आउटकम जो कांग्रेस देखेगी, खुद देखेगी।